तो हेलो गाइस, आप सभी का एक बार हमारे चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है सूरज और आप देख रहे हैं अथॉरिटी यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में बात करने वाला है कुछ अमेजिंग ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में, जो कि आपके गेम प्ले को जो है स्किल्स को डेवलप करके आपके गेम प्ले को जो काफ़ी हद तक प्रो बनाती है। तो वीडियो को शुरू से लास्ट देखते रहिए, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा वरना आप बहुत कुछ मिस कर जाओगे। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इस रेड कलर के बटन को दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे हेल्प अथॉरिटी फैमिली से जुड़ जाइए, क्योंकि इसी तरह के मैचिंग वीडियोस में लाता रहता हूँ। और इस बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि आपको सारे वीडियोस में नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, आज के इस वीडियो में जो टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात करने वाला हूँ, उसी टिप्स एंड ट्रिक्स के में जो आज मैं शॉटगन के आपको कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जो कि आप शॉटगन को कभी मिस नहीं करोगे। शॉटगन को जो हमेशा यूज़ करोगे, आप सभी जो है शॉटगन को हमेशा मिस कर देते हो, कभी यूज़ नहीं करते हो, बट आज का ये वीडियो देखने के बाद आप जो हमेशा शॉटगन को यूज़ करने वाले हो, क्योंकि आज के इस वीडियो में ऐसे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बताने वाला हूँ जो कि आपके जो है गेमिंग स्किल्स को जो आपके गेम प्ले को काफ़ी हद तक जो है प्रो बनाती है। तो गाइस, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे मेरे पास एक AR असॉल्ट राइफल जो है शॉटगन है, जिसमें मैंने एक 2x स्कोप लगाया है और यहाँ पे जो है स्टैंडर्ड लगाया, जिससे कि इसमें जो 8 बुलेट लोड हो गई है। यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे फायर करता हूँ, यहाँ पे टोटली जो है 9 बुलेट्स, जी यहाँ पे 9 बुलेट निकलती है एक फायर में, जो कि मैं आपको दिखा दूँ फिर से एक बार। यहाँ पे जैसे कि आप फायर करोगे, जैसे ही फायर करोगे वहाँ पे 9 बुलेट्स निकलेगी, जैसा कि आप यहाँ देखना देख सकते हो। यहाँ फ्रेंड्स, एक फायर में जो है 9 बुलेट निकलती है, जो कि आपको दूसरे AR गन जैसे कि M416 में अगर फायर करते हो तो वहाँ पे आपको एक एक बुलेट करके निकलती है, जो कि आपके एनिमी को जो है वो एक बार में किल नहीं कर सकती है। बट अगर आप शॉटगन से फायर करते हो तो आपके एनिमी को जो है एक बार में जो है डैमेज होगा और आपका एनिमी जो है एक बार में जो है वो नोक हो जाएगा या फिर एक बार में किल हो जाएगा। अगर आपको जो इस शॉट राइफल से अगर बॉडी में 2 शॉट भी लगते हैं, एनिमी को अगर 2 शॉट भी लगते हैं तो वो फिर भी जो है किल हो जाएगा, वो जो है डायरेक्टली वहीं पे किल हो जाएगा या फिर नोक हो जाएगा। इससे आप 2 बॉडी शॉट देते हो और अगर एक हेड शॉट देते हो तो वो वहीं पर नोक हो जाएगा। और मैं इसके में दूसरे टिप्स के बारे में बात करूँ, अगर आप इसी में इसके शॉट जो है आपके मिस भी होते हैं तो आपका शॉट जो है वो बॉडी शॉट जो है वो अलग नहीं लगने वाला है, क्योंकि इसका शॉट जो है एक बार में 9 बुलेट्स निकलते हैं जो कि इधर उधर जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि अगर आपके शॉट मिस भी हो जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपका जो शॉट जो है देख सकते हैं, मैं यहाँ पे जो एक जो ये पे यहाँ पे जो है एक एम लगाने के लिए लगा हुआ है, तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं जो इस पर नहीं मार रहा हूँ, उसे साइड पर मार रहा हूँ, मारूँगा देखिएगा फिर भी जो है ये जो है इस तरफ जो हो जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा जिसमें शॉट लगे हैं। तो दिखते हैं, मैं यहाँ फायर करके आपको बताता हूँ इसके साइड में, मैं इसमें फायर नहीं करूँगा, साइड में फायर करता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे ये जो साइड हो चुका है देख सकते हैं। तो आपके अगर शॉट मिस भी होते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप इसे जो मिडिल रेंज में ये जी हाँ फ्रेंड्स, इस गन को जो आपको सिर्फ मिडिल रेंज में यूज़ करना है, लॉन्ग रेंज के लिए नहीं यूज़ करना है। अगर आप इसे मिडिल रेंज में यूज़ करते हो तो आप एनिमी को जो है बड़े ही आसानी से किल कर सकते हो। सपोज एट आप कभी किसी ने जो है आप जो है सोलो खेल रहे हो और आप एक स्क्वायर ने रश कर दिया तो ये शॉटगन जो वहाँ के काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाली है। अगर आप जो शॉटगन यूज़ करते हो, आप जो है एक बुलेट से जो है किसी ने एक एनिमी को किल कर दिया, फिर दूसरे एनिमी को जो है आप जो है फिर उसे भी नॉक कर दिया, और असॉल्ट राइफल जो है आप फिर 2 एनिमी को किल कर सकते हो, जिससे कि आपका जो गेम प्ले है वो जो है लाइक प्रो हो जाएगा, जिससे कि आप एक बार में पूरे स्क्वाड को उड़ा सकते हैं। सोच रहे फ्रेंड्स, आप एक बार में पूरे स्क्वाड को उड़ा सकते हैं शॉटगन से, बट आप असॉल्ट राइफल को यूज़ करेंगे तो अगर चारों एनिमी जो आप एक साथ अगर के एक रस कर दिए तो आप शायद किल करना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। बट आपके पास शॉटगन है तो आप एक एनिमी को एक बार में किल करके या फिर डुओ अगर स्क्वाड डुओ की स्क्वाड अगर आप रस करती है तो आप एक बार में असॉल्ट राइफल से एक बार में नॉक कर दीजिए, फिर उसे जो है अपने दूसरे असॉल्ट राइफल से जो है आप उसे किल कर सकते हैं। बस यहाँ पे हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप्स की ओर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास M416 है और यहाँ पे मैं जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो सारे बुलेट जो है गाड़ी पे चला रहा हूँ, तो यहाँ पे जो है आपको देख रहे हैं टोटल 32 बुलेट्स लगे हैं, यहाँ पे टोटल 32 बुलेट्स लगे हैं इस गाड़ी को ब्लास्ट करने के लिए। वही मैं बात करूँ शॉटगन पे, शॉटगन में टोटल आपको जो है ओनली 6 बुलेट लगने वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे टोटल चला रहा हूँ और देख सकते हैं यहाँ पर छठे बुलेट पे जो गाड़ी जो वो ब्लास्ट कर गया है, देख सकते हैं मैं सिर्फ ओनली 6 बुलेट चलाया है और ये जो है गाड़ी ब्लास्ट करके, और यहाँ पे जो है जबकि आपको जो है M416 में टोटल देख सकते हैं यहाँ पे जो है मैंने 32 बुलेट्स इन्वेस्ट किए तब जाके जो है इसमें जो है आपका जो गाड़ी ब्लास्ट हुआ। और ये शॉटगन जो है काफ़ी ईजिली से भी आपको कहीं पर भी मिल जाता है,
तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी इसी तरह के फ्रेश वीडियो में। आई होप गाइस आपको ये टिप्स और ट्रिक्स पसंद आए होंगे, आप इसे जो इस टिप्स को जरूर से जरूर ट्राई कीजिए। शॉर्ट गन जो काफ़ी अच्छा गन है, मैं चाहूँगा आप इसे जरूर से जरूर ट्राई कीजिए अपने गेम प्ले में, आपके गेम प्ले में जो काफ़ी ज़्यादा बदलाव आएगा। देखिएगा आपको जो है कोई भी अंदर अगर नूब करता है तो आप उसे जो अपने गेम प्ले से दिखा सकते हो कि देखो भाई मैं भी प्रो खेल सकता हूँ। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को अभी जाकर जरूर से जरूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और अगर आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं जरूर से जरूर आंसर दूंगा। फिर मिलते हैं इसी तरह फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए।